प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, तो वहीं देश के कई राज्यों से वैक्सीनेशन की कई तस्वीरें भी देखने को मिली, जहां पर लोगों ने खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन लगवाई। धर्मनगरी हरिद्वार में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर श्री पंचायती धड़ा फिराहेडियन की ओर से ज्वालापुर स्थित रघुनाथ मंदिर में कोविड वैक्सीन टीकाकरण कैंप लगाया गया था। बता दें कि इस दौरान 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान तकरीबन 300 लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। श्री पंचायती धड़ा फिराहेडियन की ओर से टीकाकरण के दौरान कोविड नियमों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पूरी तरह से पालन किया गया था। यहाँ पे कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत ही अच्छे से हो रहा है। सब कुछ मतलब सेफ्टी बहुत अच्छे से रखी जा रही है, डिस्टेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। और जो यहाँ पे सारे प्रोग्राम सेटअप हो रहे थे, जो लोग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगाने आ रहे, एक भय का माहौल बना हुआ है उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भय की क्या बात है इसमें, बहुत ही आराम से मैंने भी लगवाया, बल्कि मैं बहुत इंजेक्शन से डरती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से लग रहा है और मतलब पता नहीं चल रहा, और आपकी सेफ्टी के लिए तो आप प्लीज लगवाइए सारे। तो जिस तरह से कोरोना की महामारी फैल रही है उसको कितनी कारगर है वैक्सीन लगना? बहुत जरूरी है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जब आपकी कभी बाय चांस खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो आपको जब जाके इसके बारे में पता चलेगा, जब ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ करेगी इस बीमारी से, तो आप सबको जरूरी लगवाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा। आप लगवाएंगे आप ठीक रहेंगे, जब तो आपके बच्चे ठीक रहेंगे, और बच्चों के लिए तो आपको पता है थर्ड स्टेज आ रही है, बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए आप पहले अपनी सेफ्टी रखिए, जब भी आप अपने बच्चे की रख पाएंगे। पेरेंट्स के लिए स्पेशली है। क्या डिस्टेंस मेंटेन क्या हुआ है यहाँ पे? डिस्टेंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बीच बीच में सब आके चेक कर रहे हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, तो काफ़ी मतलब सही है यहाँ पर सब कुछ, और सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। आज से जो ये 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसके लिए आप देख ही सकते हैं कि लंबी लाइन अंदर से लेके बाहर तक लगी हुई है। जो जागरूकता सरकार चाह रही थी कि युवाओं में ये जागरूकता आए कि वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराए, उसका सीधा असर प्रभाव आज यहाँ दिख रहा है। सभी लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सब लोग सुचारू रूप से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज यहाँ सेंटर पर फर्स्ट डोज 18 प्लस से 45 तक वालों को लगनी शुरू हो गई है। किस तरह की सुरक्षा है यहाँ पे, किस तरह डिस्टेंसिंग बना के व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्या ये धड़ा पंचायत फिरेडियान के सभी लोग सुबह से यहाँ इसमें लगे हुए हैं, और सभी से यही बार बार अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के गाइडलाइन जो आई है सरकार की तरफ से, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, उन सबकी व्यवस्था यहाँ करी गई है। सबको सैनिटाइज़र, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क उपलब्ध कराने तक की, और सबको उचित दूरी पर लाइन में खड़े होने की व्यवस्था यहाँ सभी लोग देख रहे हैं। एक भय भी बना हुआ है कुछ लोगों के बीच में जो नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमने आज अपने सभी वॉलंटियर्स को बोल दिया कि वो सोशल मीडिया पे भी और यहाँ पर भी जो भी लोग आएंगे, जो लोग वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं, उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप खुद भी आपने लगाइए, आप अपने परिवार में भी सबको प्रेरित कीजिए कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएँ। देखिए, इस बीमारी में वैक्सीन हमारे लिए एक छतरी का काम करेगी। जिसको वैक्सीन लगी है, आप पिछले रिजल्ट में भी देखा जा रहा है, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको ये खतरनाक वायरस अपनी चपेट में नहीं ले रहा। अगर उनको ये वायरस लग भी रहा है तो उनको उसका उतना गहरा असर नहीं हो रहा। टीकाकरण शुरू होने से पहले पूरे मंदिर परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। टीका लगवाने आए लोगों से मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील भी निरंतर की जाती रही। रघुनाथ मंदिर में लगातार शिविर के माध्यम से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 18 से 44 साल तक के लोगों को यहां पर टीका लगाया गया है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।